हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को अगरबत्ती पाउच के ऊपर कुछ जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है सिंपली अगरबत्ती पाउच के ऊपर होने वाला है। जो लोग अगरबत्ती का नया नया काम चालू कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से पाउच खरीदे, कहाँ से पाउच उठाए, या पाउच का जो वेराइटीज वो कैसे कैसे होता है, किस तरह से उसको पाउच करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या वेराइटी में वो पाउच मिलता है, किस में वो फ्रेग्रेंस होता है, क्या क्या उसका लेबलिंग, क्या क्या ब्रांडिंग होता है, और किस तरह से वो जो पाउच है उसको तैयार कर दिया जाता है, उसको किस तरह से रेडी कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक सिंपली इसके ऊपर होने वाला है। दोस्तों तो नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ सुनील कुमार बोस, आप लोग देख रहे हैं प्रगति मैन्युफैक्चरर इंडिया। तो दोस्तों मैं आज पूरा डिटेल कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए अगरबत्ती का जो पाउच उसका क्या क्या होता है। तो दोस्तों अगरबत्ती पाउच में सबसे पहले नंबर वन जो 5 रुपए का जो जो पीपीआर मतलब पाउच आता है, पाउच पाउच मतलब ये जो पाउच का जो चेन। दोस्तों आज वैरायटी मैं बता देता हूं, आप लोग वैरायटी पहले देख लीजिए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। नंबर टू में 10 रुपए का पाउच चेन। जी हाँ दोस्तों, पूरा देख लीजिए अच्छे से। नंबर 3 में 20 रुपीज का पाउच चेन। मैं पूरा डिटेल कर देता हूँ और इसमें वैरायटी भी लिख देता हूँ, कौन सा परफ्यूम में ये मिलेगा, ठीक है, तो आप लोगों को क्या काम में सुविधा होगा। नंबर 4 में दोस्तों बॉक्स आता है, मतलब बॉक्स अलग से मैं देता हूं, बॉक्स होता है 5, 10, 20, 50, 100, तो कुछ इस तरह से दोस्तों मतलब बॉक्स होता है, आप लोग देख लीजिए बॉक्स भी आता है। उसके बाद दोस्तों पैकेजिंग में नंबर 5 देख सकते हैं, जीपर आता है। आज पूरा पैकेजिंग के ऊपर ही बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या पैकेजिंग होता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहिए। जीपर आता है कई तरह का, ऐसे 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, ऐसा बत्ती में मतलब बत्ती में 50, 100 स्टिक्स, जीपर स्टिक्स में 10 में नहीं आता है, ये 50 और 20 में आता है, 10 20 का इसका प्राइस होता है जीपर का, ठीक है, जीपर का प्राइस होता है। अभी दोस्तों ये जो पाउच है ये पाउच का वैरायटीज है। तो दोस्तों ये जो चेन है ना, तो चेन को सबसे पहले जो इसका एक तो हैंगर आता है, इस तरह से चेन में इस तरह से हैंगर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये हैंगर को आपको लगाना है, तो ये लच्छा कुछ इस तरह से रहता है, ये है चेन दोस्तों, ठीक है। तो चेन को कुछ इस तरह से बनाना है और ऊपर हैंगर करना है, इधर एक तो लॉक हो जाता है, इधर एक तो लॉक होता है। तो दोस्तों ये था चेन का, चेन मतलब ये जो 10 रुपए वाला चेन है ये 2 पार्ट में आता है, 6+6 मतलब 6 में एक तो चेन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में एक चेन हो गया और एक चेन 6 का आता है, मतलब एक दर्जन में 2 लच्छा होता है और दोनों में अलग अलग हैंगर किया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पाउच और बॉक्स मार्केट में आता है। अभी आप लोग ये गया पाउच का, अभी जीपर अलग अलग आता है, मतलब पीस के हिसाब से, मतलब अलग अलग 1 2 3 4 अलग अलग पीस के हिसाब से दर्जन होता है, 100 पीसेस के हिसाब से वो लोग कहता है। तो मार्केट में कई तरह का फ्रेग्रेंस का जीपर मिलता है। तो ये पाउच भी आपका रोज, रजनीगंधा, मोगरा, ठीक है, रजनीगंधा, मोगरा, जो भी मार्केट में अवेलेबल परफ्यूम्स है उसके हिसाब से ये चेन पाउच भी अवेलेबल मिल जाता है, और भी कई तरह का आता है, ठीक है। और ये जीपर भी कुछ इस तरह से, जो रोज ये जीपर भी आता है दोस्तों, इसका बॉक्स भी आता है, देख लीजिए अच्छी तरह से बॉक्स का भी दोस्तों, जो फ्रेग्रेंस आप लोग बोलेंगे, मतलब जो परफ्यूम आप लोग बना रहे हैं अगरबत्ती में, जो परफ्यूमिंग आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा जीपर जाएगा। अगर रोज का परफ्यूम कर रहे हैं तो रोज का जीपर आप लोगों को लेना है,
अगर जीपर में कर रहे हैं, ठीक है, अगर लैवेंडर का पाउच कर रहे हैं तो लैवेंडर का परफ्यूम ही पाउच ही लेना पड़ेगा, उसमें लैवेंडर ही लिखा रहेगा, क्योंकि जो परफ्यूम होता है उसके लेवल के ऊपर उसका फ्रेग्रेंस का नाम देकर कुछ लोकल कंपनी रहता है जो अगरबत्ती पाउच वगैरह सेल करता है। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से, अगर बॉक्स होता है तो बॉक्स का भी दोस्तों आप लोग जो परफ्यूम आप लोग लेना चाहते हैं तो उसमें बॉक्स में भी आप लोग कोई भी हो, रोज, रजनीगंधा, मोगरा, लैवेंडर, बहुत तरह डेनिम वगैरह बहुत परफ्यूम मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों पाउच में सबसे पहले अगरबत्ती बिजनेस में दोस्तों आप लोगों को क्या है, पाउच का जो जानकारी वो सबसे पहले लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंबर टू कौन पाउच में, कौन सा पाउच में कितना बत्ती जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो 5 रुपए वाला जो पाउच है उसमें कितना बत्ती जाएगा, ठीक है, और ये जो 10 रुपए वाला है उसमें भी कितना बत्ती जाएगा। तो दोस्तों ये सब जानकारी आप लोगों को बहुत जरूरी होता है, जो लोग नया काम कर रहे हैं या नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है वो लोग जानते नहीं है। जीपर में तो लिखा रहता है कि 100 स्टिक, 50 स्टिक्स, मतलब उसमें मेंशन किया रहता है 50 स्टिक्स, लेकिन दोस्तों इसमें कोई मेंशन नहीं रहता है 5 रुपए का पाउच में कितना बत्ती देता है मैन्युफैक्चरर, 10 रुपए में कितना बत्ती जाता है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब इसमें आप लोगों को जानना पड़ेगा। दोस्तों एक वीडियो में इतना तो नहीं बता सकते, इसके नेक्स्ट वीडियो में अगरबत्ती पाउच के अंदर कितना रुपीस पाउच के लिए कितना बत्ती जाता है उसके ऊपर वीडियो लाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसका जो टोटल सेटअप है उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक था सिंपली ये अगरबत्ती पाउच के ऊपर था, पाउच के वैरायटी के ऊपर था। तो कुछ इस तरह से अगरबत्ती पाउच का वैरायटी मार्केट में आता है। कोई भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों आप लोग कॉमेंट करिए, उसके बाद भी मैं इधर से आप लोगों को गाइड करूंगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था पाउच के ऊपर, आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों, नमस्कार।